महाराष्ट्र में सरपंच का चुनाव जनता के मतदान से होना चाहिए, चुने गए सदस्यों द्वारा सरपंच का चुनाव नहीं होना चाहिए। सरपंच को भी विधायक सांसदों की तरह निधि मिलनी चाहिए, ऐसी मांग आज पत्रकार परिषद में सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र ने की। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष दत्ता काकड़े ने कहा कि इस बारे में शरद पवार, अजीत पवार, छगन भुजबल समेत राज्य सरकार से पत्र व्यवहार प्रत्यक्ष मिलकर मांग की है कि सरपंच का इलेक्शन हो न कि सिलेक्शन। उनका कहना था कि ग्राम पंचायत यह एक स्थानीय स्वराज संस्था है, सरपंच इस संस्था का प्रमुख होता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि स्थानीय स्वराज संस्था के जन प्रतिनिधि विधान परिषद में मतदान करने का अधिकार नहीं। जिस तरह स्नातक और शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कराया जाता है और एक विधायक निर्वाचित होकर विधान परिषद सदन में पहुंचता है, ठीक इसी तर्ज पर ग्राम पंचायत नाम से विधान परिषद के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि जो प्रतिनिधि चुनकर जाए वो ग्रामीण अंचल के विकास के बारे में सदन के माध्यम से अपनी बात रख सके। काकड़े ने आरोप लगाते हुए कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी सरकार हो ग्रामीण विकास के प्रति उदासीन रहती है। पहले मार्केट समिति में ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधि हुआ करते थे, लेकिन अब इसे रद्द किया गया है। कोई भी सरकार सत्ता में क्यों ना हो, ग्रामीण क्षेत्र के साथ भेदभाव अन्याय करती है। ग्राम पंचायत चुनाव में मतदाता सूची हो या फिर चुनावी प्रक्रिया, स्थानीय निर्वाचन अधिकारी गलत निर्णय लेते हैं, विरोध करने पर कोर्ट में जाने की सलाह देते हैं। कोरोना काल में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार, केंद्र सरकार किसी ने निधि उपलब्ध नहीं करवाई। सरपंच, उप सरपंच को मिलने वाला मानधन बेहद कम है, इसमें वृद्धि होनी चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव से पहले पैनल बंदी कानून अनिवार्य होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज, पिंपरी चिंचवड।